फेसबुक पर वीडियो वायरल करने के लिए आपको फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। बहुत लोग बहुत सारी गलतियों को करते हैं जिसके कारण उनका फेसबुक पर वीडियो वायरल नहीं हो पाता है, उनका फेसबुक पेज के ऊपर रीच इंक्रीज नहीं हो पाता है और वो बहुत सारी गलतियों को करते हैं। और भैया फेसबुक पर वो जगह जगह से वीडियोज को अपलोड कर देते हैं जहां पर ना ही उनको टैग लगाने का ऑप्शन मिलता है, ना ही टाइटल लिखने का ऑप्शन मिलता है और ना ही थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलता है, और बहुत सारी गलतियों के कारण उनकी वीडियो वायरल नहीं हो पाती है। तो ये भैया रोशन यादव जी हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और ऑलमोस्ट 5 लाख पूरने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके फेसबुक पर कोई भी अर्निंग नहीं है, किसी प्रकार का भी अर्निंग नहीं है। और ये मेरे पास आए, बोले भैया मेरा फेसबुक पर वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं तो इन्होंने बताया कि हम फेसबुक के एप्लीकेशन से वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर ये इस गलती को कर रहे हैं, अगर आप लोग भी इस गलती को करोगे ना, आपकी भी जीवन में कभी भी वीडियो वायरल नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से YouTube में टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से फेसबुक में भी टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा तब तक फेसबुक को पता कैसे चलेगा कि हम आपकी वीडियो को कौन सी ऑडियंस के पास भेजना है। भैया वो एक एल्गोरिथम है, उसी से वो डिसाइड करता है। तो आइए इनको फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना सिखाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप भी सीख लीजिएगा, आपको भी बहुत काम देगा, क्योंकि ये 2024 का एल्गोरिथम है। जब तक नहीं समझिएगा तब तक वायरल नहीं होइएगा। और यहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं जो कि ई सेट चल रहा होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद देखिए आपको कैसे फेसबुक पर वीडियोस को अपलोड करना है। आप कैसे करते थे? हम डायरेक्ट फेसबुक खोल के अपलोड कर देते, वहां पर केवल डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता था, वहां से कर देते थे। व्यू आता था नहीं, एको घुन नहीं आता था ना, फिर 4-5 लाख सब्सक्राइबर का क्या फायदा। तो देखिए वीडियो अपलोड करने के लिए आपको फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो से वीडियोस को अपलोड करना पड़ेगा। तो वो कहां पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे चले जाना है। गूगल क्रोम पर के बाद यहां पर आपको सर्च करना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है। चलिए मैं लिखकर इसको सर्च कर देता हूं। जैसे ही आप इसको सर्च कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहां पर क्लिक करके यहां से डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट का मतलब होता है जिस प्रकार से आपके लैपटॉप में दिखाता है उसी प्रकार से आपके मोबाइल में दिखाएगा, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद यहां पर आपको सबसे फर्स्ट वाला लिंक में क्या दिखा रहा है, क्रिएटर स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप लोग में से किन्होंने भी क्लिक किया होगा, अगर पहली बार आप इस पर आए हैं तो यहां पर आपका आईडी पासवर्ड खोजेगा। इन्होंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इसलिए यहां पर इनका डायरेक्ट फेसबुक पेज आ गया, ठीक है। अब देखिए वीडियो अपलोड करना है आपको, तो वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहां पर क्रिएट पोस्ट के ऊपर चले जाना है, ठीक है। क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहां से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर क्या कर रहा है, एड फोटो एड वीडियो यूज टेम्पलेट। आपको क्या करना है, वीडियो लोड करना है, वीडियो अपलोड करना है। तो सबसे पहले वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहां से कोई भी वीडियोज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वीडियोस को सिलेक्ट कीजिएगा, यहां से देखिए वीडियो आपका साइड में दिखा दिया। वीडियो आने के बाद अब देखिए यहां से आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले वीडियोस का टाइटल लिखना है। कहां पर लिखा रहा है वीडियो का टाइटल, देखिए वीडियो का टाइटल लिखने का ऑप्शन आ गया। तो आपका किस रिलेटेड वीडियो है, जैसे ब्लॉग वीडियो है, ठीक है। तो मान लीजिए रोशन यादव जी ब्लॉग, ठीक है, लिख दिए, समझाने के लिए अभी लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद जो आपका टाइटल है, जैसे आपका भोजपुरी गाना से रिलेटेड वीडियो है, यहां पर गाना का नाम वगैरह लिख दीजिएगा। अगर आपका कॉमेडी से रिलेटेड है, कोई चुनाव से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड है, जिस रिलेटेड आपका पोस्ट है वो टाइटल में लिख दीजिएगा। टाइटल में लिखने के बाद यहां से सबसे पहले आपको टाइटल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग लगाना है। अच्छा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग लगाना है। जिस प्रकार से टैग लिखने से यूट्यूब पर वीडियो सर्च में जाती है, ठीक उसी प्रकार से फेसबुक पर डिस्क्रिप्शन लिखने से फेसबुक पर सर्च में जाती है। तो जैसे आपका ब्लॉग वीडियो है तो ये हो गया ब्लॉग, ठीक है, फिर हो गया डेली ब्लॉग। जैसे आपका हो गया मेरे साथ आप ब्लॉग बना रहे हैं तो कैरी टेक माइंड हो गया, ठीक है, कैरी टेक माइंड, या फिर आपका कोई हैशटैग है तो रोशन, ठीक है, यादव जी, ऐसे लिखते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के टाइटल से रिलेटेड, वीडियो के क्वालिटी से रिलेटेड और जो आपने वीडियोज में बनाया है, ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद हैशटैग लगाना है। हैशटैग लगाने के बाद देखिए यहां पर
पहले तो आपको थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था ना जी, सच बताइएगा, नहीं मिल रहा था ना। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, अपलोड इमेज, अपलोड इमेज मतलब अपलोड थंबनेल। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करके देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका खुल जाएगा। तो जो भी रिलेटेड थंबनेल है, जैसे मान लीजिए आपका ये थंबनेल है, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, आपने इस थंबनेल को बना रखा है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे यहाँ थंबनेल ऐड हो गया ना। थंबनेल ऐड होने के बाद देखिए शो मोर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, टैग्स एंड कोलैबोरेटर। हाँ, टैग्स एंड कोलैबोरेशन लिख रहा है, कोलैबोरेटर। अब देखिए पहले आपको टैग का ऑप्शन मिलता था, नहीं मिलता था ना। अब देखिए इसको सिंपली ऑन करना है, ऑन करने के बाद जिस भी रिलेटेड आपका ब्लॉग है, जैसे मान लीजिए कि आपका कैरी टेक माइंड ब्लॉग हो गया तो कैरी टेक माइंड लिख देते हैं। और उसको लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आपके कीबोर्ड में गो का ऑप्शन दिखा रहा है ना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे टैग बन गया ना। जैसे कोई और है, जैसे रोशन यादव जी लिख देते हैं, ठीक है, रोशन यादव जी, ठीक है, और गो पर क्लिक करेंगे तो जो प्रकार का आपका वीडियो है ठीक उसी प्रकार से आपको टैग को लगा लेना है। समझ में आया, टैग लगाने के बाद अब देखिए यहां पर आपको नीचे के साइड में क्या ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट का, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे देखिए कैप्शन ऑटोमेटिक ऑन रहेगा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां से फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे देखिए आपका वीडियो चेकिंग दिखा रहा है, वहां से कॉपीराइट नहीं दिखा रहा था ना जी, नहीं वहां से कुछ नहीं दिखा रहा था। वहां से वीडियो डालिएगा, वीडियो गड़बड़ होगा, कॉपीराइट आएगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आएगा, फंसिएगा, पेज बर्बाद हो जाएगा। यहां से अगर आपके वीडियोज में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, ससुरा सबसे पहले ही बता देगा कि आपका वीडियो कॉपीराइटेड है, आपका वीडियो में ये यूज है, तो भैया हम अपलोड करने से पहले उसको डिलीट कर देंगे, म्यूजिक को चेंज कर देंगे। तो यहां से आपका चेकिंग दिखाएगा और उसके बाद देखिए यहां पर 100 फीट ये सब टिक रहेगा और नीचे में सिंपली यहां पर शेयर पर क्लिक कीजिएगा। तो अगर आपको पब्लिक करना है शेयर नाउ, मतलब अभी जस्ट आपको पब्लिक करना है तो शेयर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अगर हम कोई टाइमिंग वगैरह लगा के पब्लिक करना चाहते हैं तो जो भी टाइमिंग लगाएंगे तो शेड्यूल कर देंगे तो वो टाइमिंग पर अपलोड हो जाएगा। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे अभी नहीं करना है, मैं बाद में जब टाइम मिलेगा, या फिर मेरा 6:30 बजे टाइमिंग है तो मैं उस टाइम पे अपलोड करूंगा, तो ड्राफ्ट में भी सेव कर सकता हूं, ठीक है। तो जिस रिलेटेड वीडियो जैसे मुझे अभी शेयर करना है तो शेयर नाउ पर क्लिक करके, जैसे ही यहां पर शेयर पर क्लिक करेंगे ये देखिए चेकिंग वीडियो आ गया ना, तो ये चेक करने को बोल रहा है। अगर मैं ऐसे शेयर पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपका वीडियो फाइनली यहां से देखिए अपलोड हो गया है आपके पेज के ऊपर। अब देखिए आपका वीडियो में अगर दम रहेगा, अगर आपने 3 से 10 सेकंड तक अपने ऑडियंस को रोक लिया, फिर भैया आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकती है। अच्छा। क्योंकि आप फेसबुक पर वीडियो को कैसे देखते हैं, स्लाइड करके, हाँ। स्लाइड करके देखते हैं, हाँ। तो आप एक ऑडियंस है, हम एक ऑडियंस है, चाहे हम जिनका भी वीडियो देखेंगे तो वो लोग एक ऑडियंस है। तो भैया क्रिएटर दुनिया में बहुत बड़े पड़े हैं, हाँ। आपके जैसा जैसा बहुत तुर्रम खान आएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको उससे यूनिक कंटेंट को बनाना है, ऐसे कंटेंट को बनाना है जिसको ऑडियंस देखने बाद कहे वाह क्या सही वीडियो बना है, हाँ। क्या बंदा है यार, हाँ। देख के मजा आ गया, मतलब उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए। अगर ऐसे प्रकार के आप कंटेंट को बनाते हैं और मेरे बताए गए रास्तों से वीडियोज को अपलोड करते हैं तो मैंने आपको एक सही रास्ता दिखा दिया, हाँ। आप वो आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि अगर आपके कंटेंट में दम रहा तो बुलेगा, और दम रहा तो दौड़ेगा, और दम रहा तो गाड़ी लेके चलेगा, और दम रहा तो हेलीकॉप्टर से उड़ेगा। तो जैसा आपका कंटेंट रहेगा ठीक उसी प्रकार से आपका वीडियो वायरल होगा। अगर आप लोगों ने भी नहीं सीखा है तो बबुआ सीख लीजिए, ध्यान दीजिए, सही तरीके से वीडियोज को अपलोड कीजिए। और इनका एक चैनल है और फेसबुक पेज है, रोशन यादव जी करके चैनल है और फेसबुक पेज का क्या नाम है, उसमें है म्यूजिक विथ रोशन, म्यूजिक विथ रोशन, इनको भी जाकर फॉलो कीजिए। वाई दिवे आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको तहे दिल से धन्यवाद, और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद कि एकदम अपना भाई समझ के हमको इतने अच्छे तरीके से समझाए कि हम पूरा आसानी से समझ गए ना। अगर आप लोग भी समझ गए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप बिहार से वीडियोज को देख रहे हैं तो भैया ये बिहार में फेमस है, हम लोग बिहारी है, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।